हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा से दोनों से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रही है जो मैं चाहती हूँ उस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट आप सबके साथ शेयर की थी कि कौन सी कंट्री का वर्क वीज़ा इस समय पे ओपन है, किसका क्लोज है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि विजिट वीज़ा का भी अपडेट बता दीजिए और वीज़ा जो लोग यूएई में हैं उनका वीज़ा रिन्यू हो रहा है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। तो देखिए, अगर बात करते हैं वर्क वीज़ा की, तो मैंने पहले ही जैसे बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वर्क वीज़ा जो इस समय पर है बांग्लादेश और पाकिस्तान का वर्क वीज़ा इस समय पर नहीं लग रहा है, यूएई के किसी भी एमिरेट्स में नहीं लग रहा है, किसी भी प्रोफेशन का नहीं लग रहा है। बहुत कम लोगों का, यानी कि 1% लोगों का लग रहा है। और वो 1% कौन है, मान लीजिए कंपनी का ओनर है, कंपनी का सीईओ है, उसका कोई रिलेशन वाला है तो वो अपने स्पॉन्सर में उसको बुला रहा है। सिर्फ यही लोग 1% में आ रहे हैं, बाकी अदर लोगों का वीज़ा जो है वो नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम विजिट वीज़ा में आ जाए फिर वहाँ पर आके पार्टनर वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा ले लेंगे। तो देखिए, विजिट वीज़ा भी इस समय पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ कुछ सिटीज़ का, पाकिस्तान के सारे सिटीज़ का नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ सिटीज़ और बांग्लादेश पूरा। इसके लिए विजिट वीज़ा भी अभी लोगों का नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं। रिजेक्शन के परसेंटेज भी मैं बता दूं कि अगर एक दिन में 10 लोगों का वीज़ा अप्लाई हो रहा है जो लोग बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से हैं, तो सिर्फ 3 या 4 लोगों का ही वीज़ा आ रहा है, बाकी 7 लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, किसी ना किसी कारण से उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये है विजिट वीज़ा का सिनेरियो। अच्छा, मान लीजिए विजिट वीज़ा आपका आ जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर आके बोल रहे हैं फ्रीलांस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा लगवा लेंगे और यहाँ पर अपने हिसाब से काम करेंगे। तो देखिए, फ्रीलांस वीज़ा और पार्टनर वीज़ा ये आपका लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप यूएई आ गए हैं और आप पे कर सकते हैं उस वीज़ा का चार्जेस जो भी है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत अभी समय पे नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिन्यू का। मान लीजिए आप बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के, ऑलरेडी आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको वीज़ा रिन्यू करवाना है, या विजिट वीज़ा में है, जॉब मिल गई है तो विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में उसको चेंज कराना है। तो देखिए, रिन्यू और चेंज, वीज़ा स्टेटस चेंज, दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आपको रिन्यू करवाना है, यानी वर्क वीज़ा टू वर्क वीज़ा आपका हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नेशनलिटी का यहाँ पे इनसाइड द कंट्री ही रिन्यू हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास विजिट वीज़ा है तो वर्क वीज़ा आपका लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर इसको बोलते हैं स्टेटस चेंज होना, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बांग्लादेश के हैं या फिर पाकिस्तान के हैं तो इस समय पे आपका वर्क वीज़ा नहीं लगेगा, विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा आपका नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप लोग पैसा खर्चा करके विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो वीज़ा का, टिकट का, पूरा यहाँ के रहना खाना सारे पैसे आपके जाया सो जाएंगे, आपका वर्क वीज़ा इस समय पे नहीं लगेगा। ये अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत इस समय पे यूएई में हो रही है, इसलिए अगर आप लोग इस समय पे आने का डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा देख समझ के लीजिए कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, वीज़ा रिजेक्शन, नया वीज़ा ना लगना, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।